यस गुड मॉर्निंग पेंथे, अज अपा असाइनमेंट करनी है, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दैट। लिसन बेटा, सब तो पहला जफरनामा इकांगी दा सार, ठीक है, वो तुसी सुनाना है क्योंकि थोड़े हॉलीडे होमवर्क विच भी जफरनामा इकांगी दा सार सी, ठीक है? जफरनामा इकांगी दा सार करन तो बाद, क्योंकि जे तुहानू पूरी इकांगी पता होएगी तो ओदे विचों दी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जिहड़ी मैं तुहानू असाइनमेंट दित्ती ओदे विच सिर्फ 10 क्वेश्चन ने, सिर्फ 10, बाकी आपां शॉर्ट जिहड़े ने वो भी एक बार रिवाइज कर लवांगे जिहड़े तुहानू मैं पहलां दित्ते सी छुट्टियां तो, क्योंकि तुहानू जिहड़ा ट्यूसडे नू टेस्ट है पहलां भी दस्सिया सी गूगल फॉर्म ते आएगा, गूगल फॉर्म ते तुहानू चंगी तरह नाल पता है कि तुसीं अटैम्प्ट किद्दां करना है, ठीक है? ਤੁਹਾਨੂੰ 25 to 30 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ MCQs ਹੈ 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ कि मैंने यहाँ पे जाना है वहां पे जाना है, ठीक है? हो सके तो टेस्ट जरूर दो, राइट? बिकॉज इज अ रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ठीक है? सो जफरनामा इकांगी जिहड़ा मैं लिखा ना यही तुहाडे बेटा टेस्ट विच यही तिना टॉपिक्स दा तुहाडा टेस्ट होएगा, ठीक है? जफरनामा इकांगी दा सार सब तो पहला कौन सुनाएगा? जफरनामा इकांगी दा सार हॉलीडे होमवर्क सी, सब ने किया है, जिन्हें जिन्हें ने अपने आप किया है उन्होंने आंदा होएगा, जिन्होंने पीडीएफ की हेरा फेरी की है उन्होंने पता नहीं होएगा कि लिखा की होया है, ठीक है? कौन दसेगा? आज अर्शीन ते प्रभगुन तो इलावा कोई हाथ खड़ा करो, क्योंकि ये बच्चे हर रोज सुनाते हैं और मैं पता है कि इन्होंने आंदा ही होएगा। अर्शीन ते प्रभगुन तो इलावा कोई होर बच्चा? मिष्टी 10th ए, अनम्यूट योरसेल्फ मिष्टी, रोल नंबर 30। क्योंकि तुम विलिंगली हाथ नहीं खड़ा करते सो मैं यही तरीका अपनाना पैना है। मिष्टी अनम्यूट योरसेल्फ, इट मीन्स तुहानू नहीं आंदा, ओके? हाँ जी बोलो मिष्टी। जफरनामा इकांगी दा सार, मिष्टी अगे तो ना मैं नोट कर रहा करना कॉपी ते केड़ा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, थोड़ी एक होर एक्टिविटी आनी है ना ओदे अकॉर्डिंगली मैं थोड़े नंबर लाने कि केड़ा बच्चा पार्टिसिपेट करता वो बच्चे दे फुल नंबर लगेंगे, ठीक है? पार्टिसिपेशन दी एक अलग होएगी। देखो वो दो बच्चों के हाथ खड़े हो गए, प्रभगुन और अर्शीन। बाकी मिष्टी बोलो, जफरनामा इकांगी छुट्टियां विच असीं पूरियां छुट्टियां ओदे विच ही लगा दित्तियां सी, मीन्स तुहानूं नहीं आंदा सी बेटा, अपने आप नूं अनम्यूट करके तुसीं नहीं बोलोगे तां इदां नहीं चलना, जे तुसीं अनम्यूट होए हो देन यू हैव टू स्पीक। अशीन, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सुनाना शुरू करा अपना पूरा साल। हाँ जी, हाँ जी बेटा। चुकार अज हमें हील ते दर गुजश्त, हलाल अस्त बर्दन बेशमशीर दस्त। जफरनामा इकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह जी लिखी हुई है। इस इकांगी विच डॉक्टर हरचरण सिंह जी ने दसिया है कि किस तरह दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नु जित दा खत जो कि जफरनामा भेजिया सी। उस खत विच गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नु इन्नियां लानता पाईयां सन कि उसका जमीर थरथरा उठा, उसका वजूद पिंजिया गया सी। इस खत का औरंगजेब के उपर बहुत ज्यादा असर हुआ। एक खत 1706 ईस्वी विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नू भेजिया सी। इस खत को पढ़ के वह दसता है कि कई साल तो वह रात नू चैन नाल सो ही नहीं पाया। उसके अंदरों एक आवाज आउंदी सी जो उसनू हिला के रख दिंदी सी। उसनू कई बारी ते दरबार विच नाच गाने दीआं आवाजां आउंदीआं सन। ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ
अंदर आ जाती है तो फिर सलाहकार अस्त खान भी आ जाता है। फिर अगे औरंगजेब अस्त खान को जफरनामे बारे दसना शुरू करता है। जदों वह दस रहा हुंदा है तो उसकी बेटी अंदर आ जाती है। जीनत को पता चल जाता है कि उसके पिता उस तो कुछ छिपा रहा हुंदा है। जीनत अपने पिता को पूछना शुरू कर दी है। जदों उसको पता लगता है कि वजीर खान ने की कीता है तो छोटे साहबजादे ने जिंदा ही चिनवा के शहीद कर दिता सी ना उसकी रूह कम जाती है। वह रोना शुरू कर दिंदी है तो अपने पिता को कहती है कि वजीर खान को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। वह कहती है कि खुदा तुहानू कदे माफ नहीं करेगा। अगे औरंगजेब को कहती है कि तुसी खुदा तो डरदे तो सी पर उसको कदे भी प्यार नहीं सी किया। फिर जीनत दरबार विचों निकल के चली जाती है। अंत विच इस एकांगी तो सानू ए पता लगता है कि सच्चाई ही हमेशा जित हुंदी। हनेरा जिन्ना मर्जी रह लवे पर चानना तो हुंदा ही है। कोई भी गलत काम नू ज्यादा देर तक लको के नहीं रख सकता। खसम दुश्मनी कर हजार आवरुद ना यक मुए उरा हजार आवरुद। यस मैम डन। वेरी गुड। आई थिंक अर्शीन तुसी ही ओ प्रॉपरली इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क भेजा है। प्रभु ने भी इदे किया है। पूरा जिस तरह कागज जिस तरह पुराने कागज होंगे ना यू नो जिस तरह जफरनामा लिखा होंगे क्योंकि हुण बहुत पुराना हो चुका है। दो तीन बच्चे ने शायद एक प्रभु ने अर्शीन भी है इन्होंने की किया होया मैं बड़ा अच्छा लगा। पूरा ओनू प्रॉपरली ना इस तरह कर करके मतलब जिदा पुराना पेज होंगे ओदा दिखाया। सो वेरी वेल डन। प्रभु ने भी लिखिया हुई है सत्रह ठीक है। सो इन्होंने बच्चे ने एफर्ट की है एफर्ट नजर आती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 पिंड बीना कांगड़ मालवा तो फारसी कविता विच एक खत लिख के भाई दया सिंह जी दे हाथ औरंगजेब नू भेजा सी। ए खत सी जफरनामा फते दी चिट्ठी। कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श बख्शे राजक रहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शन देव दस्तगीर खता बख्शे रोजी देहो दिल पसीर। ए एकांगी कट्टर से जालम मुगल बादशाह औरंगजेब के आले दुआले घूमती है। औरंगजेब ने प्रजा से 50 साल तो भी वध राज किया। इस एकांगी विच ए दस्या गया है कि जफरनामा पढ़ के औरंगजेब की जमीर झंझोड़ी गई थी। उसनु इस खत तो एहसास होया सी कि वजीर खान ने किने पवित्र कुरान शरीफ दी झूठियां कसमां खा के गुरु गोबिंद सिंह जी नु आनंदपुर साहिब विचों धोखे नाल कढवा दिता। औरंगजेब ते इस चिट्ठी का बड़ा डूंगा प्रभाव पिया। उसके मन विच डर भौ अते पछतावा भर गया। उसनु पता लगा कि किवें उन्हां दे वड्डे दोहे सरदादे जंग दे मैदान विच शहीद हो गए। गुरु जी दे छोटे साहबजादियां नूं सरहंद दे नवाब वजीर खान ने नीहां विच चिनवा दिता। औरंगजेब नूं बड़े भयानक सुपने आउण लगे। उस नूं दो आवाजां सुनण लगियां सन। वह सारी गल अजमत खान नूं दसदा है। उसकी हालत वेख के उसकी तीसरी पत्नी बेगम उदयपुरी हकीम नूं भी बुलांदी है। उसकी बेटी उस जी खूब सेवा करती है पर जब उस जुलम का पता चलता है तो उस हार नहीं पाती कहती है कि खुदा तुहानू कदे माफ नहीं करेगा। अंत विच औरंगजेब नू एहसास हुंदा है कि किवें उसने 50 साल प्रजा का खून पीता ते हुण वो अपने किते जुलमां का नतीजा भुगत रहा है। अंत विच ओ जीनत बेटी कहिंदा होया बाद लड़खड़ाउंदा चला जाता है। चू हक यार बाशद छे दुश्मन सुनत अगर दुश्मनी रा बेग सद तन सुनत खसम दुश्मनी गर हाजर अवरुद ना यक मुए उरा आजार अवरुद। वेरी गुड वेल डन डन गुड गुड अर्शीन एंड प्रभुन गुड ठीक है। सो जफरनामा एक आंगी दा सार तुसी सुन लिया ना। दोनों बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके ना सुनाया है ठीक है समझाया भी है बाकियां नु ओके। तो देखो हम थानू एमसीक्यूज आएंगे। अगर तो तुसी तुहाडे कोल असाइनमेंट इस टाइम पई हुई है अगर तुसी पीसी ते लगा रहे हो तो तुसी अपनी असाइनमेंट ओपन कर सकते हो जिहड़ी तुहानू मैं कल ग्रुप विच सेंड कीती सी ठीक है। अगर तुसी फोन ते लगा रहे हो दैन इट्स ओके।
सुन लो, मैं पूरा नहीं लिखांगी क्योंकि थोड़े को प्रॉपर है, मैं जस्ट ओदे आंसर्स आपा डिस्कस करांगे फिर असी लिखांगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सी तुहाडा जफरनामा इकांगी दे इकांगीकार दा नाम लिखो, चार ऑप्शंस ने, राइट वन लिख दिती हुई है। सेकंड क्वेश्चन हुण देखो, क्योंकि मैं तुहानू कल क्या सीगा राइटर बारे भी पूछा जा सकता है, इत्थे तां नहीं है बट अगे जाके हरचरण सिंह दे बारे थर्ड क्वेश्चन दे विच है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछा सी तुहानू, औरंगजेब किस तरह दा राजा सी? ऑप्शन ए निम्रता वाला, सहयोगी, जालम और हमदर्दी वाला, ठीक है। सो ऑप्शन केड़ी आएगी ओदे विच, निम्रता वाला ते बिल्कुल नहीं सी, जालम सी, ठीक है। औरंगजेब किस तरह दा राजा सी? जालम, राइट, ठीक है। जेड़ी थानू असाइनमेंट भेजी ना उत्ते टिक लगांदे जाया करो, ठीक है। हुण देखो राइटर बारे भी बेटा थानू क्वेश्चंस आ सकते ने, बिकॉज़ 90 मार्क्स आ थानू एमसीक्यूज ही आने ने, 90 एमसीक्यूज आने ने थानू अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। जो नया रूल आया है ओदे विच थानू काव टुकड़ी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। थानू चैप्टर दे विच ओदी कोई भी चीज पूछी जा सकती है। सो हुण तां थानू होर भी ज्यादा ध्यान दे नाल टीचर नूं सुनना चाहीदा, होर भी ज्यादा थॉरली थानू रीड करना पएगा चैप्टर, ठीक है। अपने वालों जिहड़ी मैं एफर्ट सोच हो सकती हाँ मैं बिल्कुल तुहाडे नाल करांगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड है, हरचरण सिंह का जन्म कदों होया, ठीक है। लिखा होया है 10/9/1914, 10/10/1914, 10/11/1914 या 10/12/1914, ठीक है। सो राइट वन केड़ा है? 10/12 मतलब 10 December 1914, ठीक है। उत्थे दिसंबर भी लिखा आ सकता है। सो 10/12/1914 नूं डॉक्टर हरचरण सिंह दा जन्म होया सी। कित्थे होया सी? शेखूपुरा विच, जो के पाकिस्तान विच है, ठीक है। फिर इन्हां दीआं रचनावां दे नाम भी पूछे जा सकदे ने। हुण तुसीं राइटर दे बारे भी थोरली पढ़ना है, ठीक है। देखो थर्ड सी फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर हरचरण सिंह नूं किस रचना लई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया? सो जे तुसी रीड किया होएगा फिर थानू पता लगेगा। एक ऑप्शन है पुन्निया दा चन, रत्ता सालू, ये सारियां इहदियां रचनावां ने, बट उहदे विचों दी बेस्ट केड़ा सी? कल अज ते पलक ते शोभा शक्ति, ठीक है। ते जिहड़ा तुहाडा ईडी ऑप्शन है कल अज ते पलक, पलक मतलब भविख नूं कहिंदे आपां, ठीक है। इहनूं मिलिया सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओके। बाकी सारिया इन्हां दीआं ही रचनावां हन, ठीक है। सो इन्हां ने मोस्टली पंजाबी विच रचनावां लिखियां सी, होर भाषावां विच भी लिखियां बट मोस्टली इन्हां ने पंजाबी विच लिखियां सन। ते जिहड़े इन्हां ने इकांगी भी लिखी, बट जिथे इन्हां दा ज्यादा फोकस सी ओह सी नाटक, ठीक है। नाटक इन्हां ने ज्यादा रचे हन, इकांगी ते नाटक ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इकांगी वन एक्ट प्ले नाटक हुंदा जिहदे विच किन्ने सारे एक्ट हुंदे रहिंदे ने, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਸੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਕਾਮਬਖਸ਼, ਜ਼ੀਨਤ ਜਾਂ ਅਸਦ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ੀਨਤ। ਜ਼ੀਨਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਸਨ? ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਵਿਲਿੰਗਲੀ? ਹਰੀ ਅਪ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਪਾਤਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸੇਗਾ?
अशीन तो तुसी तो दस दी रहंदे हो। आदित्य शर्मा, प्रभगुन, फिर उही बच्चों के हाथ खड़े। आदित्य, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य। हाँ जी मैम। हत्तर, किसका? किसका नहीं, हरचरण सिंह की जड़ी कांगी है जफरनामा। ये पात्र नहीं, पात्र चित्र नहीं पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, पात्र केड़ी केड़ी आप? एक बार मैम, मैंने तो वो सार सुनाना था, सार मैंने किया था, मैंने कविता नहीं। ये तुसी ओ हो, कविता तो है ही नहीं बेटा, मैं तो जफरनामा ही कांगी ते ही हले चल रही हां। जफरनामा जी, वही वही उसी की बात कर रहा हूं। केड़े पात्र आंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸकी बेटी भी थी। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ੀਨਤ। ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ? ਔਰ ਉਨਕੇ ਚਾਰ ਉਹ ਜੋ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ, ਕਿਆ ਗੁਰਗੋਬ ਨਹੀਂ ਕਿਆ? ਉਹ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, पात्र नहीं है, जिन्होंने डायलॉग्स बोले ने। और पत्नी भी सी, पत्नी का नाम की सी? एक मिनट मैम, एक मिनट बस, मिल रहा है बस एक। क्वेश्चन तुसी बहुत कुछ दे पर जवाब भी देना सीखो ना आदित्य, ठीक है मैम? दिया था एक मैम, छोटा सा दिया था एक मिनट मैम, बस आ रहा है। वेरी गुड, बट होर दो ना। एक मिनट मैम, बस आ रहा है। क्या था? खोली होनी है। हाँ जी, नहीं नहीं बुक नहीं खोली, वो फोन खोला था, वो सार में से लिखा था ना, उसमें देख रहा था। ओके ओके, मतलब तुसे देख के बोलोगे। ओके गुड। बेगम का नाम की है? बेगम मैम यहाँ तो लिखा ही नहीं। उदयपुरी आदित्य। सुना दूंगा कल दोबारा, सुना दूंगा। हाँ जी, ते एक ओदा अहलकार सी। ओके ठीक है, कोई गल नहीं, राइट दिता तो है, इन्हें आंसर तो दिता। हर्षदीप, हर्षदीप रोल नंबर 18। यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम शाही हकीम जी सीगा। हाँ जी हाँ जी, शाही हकीम, गुड। शाही हकीम। एक होर रह गया हर्षदीप, एक होर रह गया, ओदा दिली दोस्त सी। नैना वेद, नैना। हाँ जी नैना। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। असद खान। वेरी गुड, असद खान, वेरी गुड। उन देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े हो गए। वेरी गुड, अस्त खान, ठीक है। तो ए पात्र सी, जिन्हां नूं नहीं आंदे ओ देख लो, ठीक है। ए पात्र सी इन्हां दे। हुण तुहानू क्वेश्चन इदां दा पुछा जा सकदा है, जफरनामा इकांगी विचले पात्र दा नाम दसो सी, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कामबख्श, अकबर, अवास, अस्त खान, हुण देखो बेटा तुसी सोचना है थे। कामबख्श दा नाम आया बट वह पात्र नहीं सी, उदा कोई डायलॉग नहीं सी। अकबर दा नाम आया, उदा कोई डायलॉग नहीं सी। आवाज दे डायलॉग सी, पर आवाज एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं सी। आवाज मतलब उदे अंदरली आत्मा सी, ठीक है, चाहे उदे डायलॉग आए नहीं। फिर है अस्त खान, हुण तुसी इन्हां विचों देखना है कि किहड़ा सही होएगा। सो अस्त खान राइट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, जिंदगी की है। एदे विच जे तुहानू मान लो क्वेश्चन आंदा है तां प्रॉपरली पूछा जावेगा जफरनामा इकांगी अनुसार जिंदगी की है, ठीक है। जे तुहानू बोर्ड दे वाले पूछदे ने की है, मोह माया, रंग तमाशा, मुसाफिरखाना या सुखां दा साधन, की है? एनीवन, जिंदगी की है? गरिमा, गरिमा जिंदगी की है बेटा? हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है।
आंसर थोड़ा बहुत थोड़ा सुन गया सी। सो जिंदगी की है रंग तमाशा, ठीक है, मोह माया तो है ही है बट जफरनामा इकांगी के अकॉर्डिंगली पूछा है उन्होंने, सो एड़ा ऑप्शन आएगी, ठीक है, रंग तमाशा। जिन्होंने ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर देते ना, मान लो उन्होंने टेस्ट आ गया तो उन्होंने फुल नंबर आ गए, ठीक है, उन्होंने जफरनामा शब्द और मुहावरे पढ़ने की कोई लोड़ नहीं पैनी। नेक्स्ट डायलॉग है, आज मेरी रूह रो रही है, ये शब्द किसने कहे, किसनू नहीं किसने कहे, जीनत ने, उदयपुरी ने, अस्त खान ने या औरंगजेब ने, इमानी? औरंगजेब ने। वेरी गुड, औरंगजेब ने कहे थे, ठीक है, औरंगजेब। ऐसा डायलॉग्स भी पूछे जा सकते ने थानू इकांगी विच, वेरी गुड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, बेगम उदयपुरी, ए प्रभगुन ने सार विच क्लियर कट बोलिया होया सी, ठीक है, इहदा आंसर बेगम उदयपुरी औरंगजेब दी किन्नी पत्नी सी, तीसरी, पहली, पंजवी या दूसरी? हर्ष मैम तीसरी। वेरी गुड, तीसरी पत्नी सी, ठीक है, गुड। 11th, हुन शब्द शुरू हो गया साडा, गुरु अर्जन देव जी दी शाहकार रचना केड़ी है, ऑप्शन जपजी साहिब, आरती, सुखमनी साहिब या चंडी दी वार? अर्शीन सुखमनी साहिब। गुड, सुखमनी साहिब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी दे पिता दा की नाम सी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी या गुरु नानक देव जी? गुरु अर्जन देव जी दे पिता दा नाम दसना है, हां जी, अर्शीन? चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। वेरी गुड, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी इन्हां दे पिता जी सन। ते माता जी दा की नाम सी, माता जी दा की नाम सी? प्रभगुन। गुरु के महल बीबी पानी जी। हां जी, बीबी पानी जी, इन्हों गुरु दा, गुरु की महल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरी सेवा की, ठीक है, बीबी पानी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th हो गया, 13th, ये भी दस्या होया सी अशीन ने, साड़ी जो तो क्लास लगी सी, काड़ा शब्द का की अर्थ है, डर, प्यार, चिंता, जित? इमानी? चिंता। वेरी गुड, काड़ा शब्द अर्थ है चिंता, वेरी गुड। नेक्स्ट 14th, जीव जंतु किससे सिरचे हुए हैं, परमात्मा दे, गुरु दे, माता पिता दे या संसार दे? अर्शीन? परमात्मा दे। हाँ जी, ठीक है, परमात्मा दे, गुड। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इस शब्द विच उथे प्रॉपरली शब्द का नाम लिखा होएगा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता शब्द विच गुरु जी किसनू सर्वशक्तिमान ते सर्वव्यापक कहते हैं? एदा आंसर ऑलमोस्ट सब नू पता होएगा, गुरु नू, बंधप नू, संसार नू या परमात्मा नू? यस आदित्य? परमात्मा नू शायद। ठीक है, परमात्मा नू शायद, फिर पीछे शायद ला के बह गया, शायद नहीं आना, प्रॉपर यही आंसर है, ठीक है, शायद। ओके, 16th क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी ये भी दस्या होया सीगा, ठीक है, जो केंद्रीय पाप बोलिया गया सी 2-3 बच्चियां वालों, गुरु अर्जन देव जी सिखां दे किन्वें गुरु हन? हर्षदीप? मैम पंजवें। ठीक है, पंजवें गुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है, माता पिता दी, गुरु दी, रिश्तेदारां दी या संसारिक सुखां दी? किस दी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है? अरमान? माता पिता दी। किस दी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है? अरमान? संसारिक सुखां दी, संसारिक सुखां दी। सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, किस दी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है? लिसन, माता पिता दी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है, गुरु दी मदद नाल, रिश्तेदारां दी मदद नाल या संसारिक सुखां दी मदद दे नाल? सोचो। संसारिक सुखां दी। नहीं बेटा,
ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੈ ਆਦਿਤਯ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ 18, ਅਵਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ? ਅਵਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ੀਨ, ਦੂਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੀਨਸ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਗੱਗਾ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। 1, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾਉਣਾ, ਗਿੱਲਾ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਛਾਨਣਾ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਊਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਸੁਕਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਐੜਾ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾਉਣਾ, ਈੜੀ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਛਾਨਣਾ, ਦੈਨ ਸੱਸਾ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਯੈਸ ਇਮਾਨੀ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾਉਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾਉਣਾ, ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਦ ਗਦ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਗਦ ਗਦ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ, ਹਰਸ਼ ਮੈਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਮਾਨੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ,
22nd क्वेश्चन देखो, मुहावरा पूरा करो, डैश डैश ढोल बजाना, डैश डैश ढोल बजाना, हाथ पिया, पल्ले पिया, गल पिया या सिर पिया। वेरी गुड, काफी हैंड रेज हो गए ने। दीक्षा गल पिया। हाँ जी ठीक है, गल पिया ढोल बजाना, गुड। ठीक है नेक्स्ट, साजस करनी अर्थ दा सही, हुणे अ मुहावरा नहीं है, ठीक है एक ही है ओदा मीनिंग है, तुसी मुहावरा चुनना, साजस करनी अर्थ दा सही मुहावरा चुनो, गल टुकना, गरीब मार करनी, गहने पोना या गोंदा गुंदना, केड़ा होएगा? छयंक छयंक गोंदा गुंदना, गोंदा गुंदना, ठीक है जी, गोंदा गुंदना साजिश करनी, गुड। नेक्स्ट, परमात्मा दे गुण गौण नाल किसनू ठंडक मिलती है, परमात्मा दे गुण गौण नाल किसनू ठंडक मिलती है, मन नू, पैसे नू, रब नू या गुरु नू, सो समझ के हुणे दा आंसर देना है तुसी, ठीक है। अदिति नरूला, अदिति मैम मन नू, वेरी गुड, मन नू ठंडक मिलती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, परमात्मा दी कृपा करके मनुख किसनू पछाणदा है, दूजिया नू, मापिया नू, अपने आप नू या मोह माया नू, किसनू पछाणदा है? ईमानी अपने आप नू, वेरी गुड, वेरी गुड टेंथ है, ठीक है। ऐदा तुसी दोगे आंसर ता टीचर नू भी पढ़ांदा मजा आएगा, सो वेरी वेल डन, ठीक है, मन नू, राइट जी, सॉरी अपने आप, ठीक है। असाइनमेंट थोड़ी होगी कंप्लीट, राइट, ठीक है। दो तीन क्वेश्चंस विच थोड़ा बहुत किसी नु डाउट सी, अगर किसी नु कोई भी क्वेश्चन दे विच डाउट सी तो भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो काव टुकड़ी करनी सी आपा, काव टुकड़ी दे लई हुण टाइम नहीं हैगा क्योंकि लास्ट एक मिनट रह गया है, ठीक है, लास्ट वन मिनट इज लेफ्ट, काव टुकड़ी करनी सी, कोई गल नहीं आपा नेक्स्ट वीक कर लवेंगे, ठीक है। सो ट्यूजडे नु थोड़ा टेस्ट ऑलरेडी दस दिता है 2 बजे का टाइम, ओके। सो किसी का कोई डाउट होवे, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया होवे ओ पूछ लो, एनी डाउट, ठीक है। ए सी असाइनमेंट नंबर 1, राइट। हुण नेक्स्ट वीक जो हो जाएगा उदो असाइनमेंट नंबर 2, काफी सारिया असाइनमेंट्स आपां इदां ही नाल नाल करी जानियां ने, ठीक है। जिहड़ा साडा सैटरडे होएगा असीं उस दिन असाइनमेंट्स करिया करांगे, ठीक है। सो तुहाडी पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा हो जाया करेगी, कोई डाउट होवे किसी का भी होवे, ठीक है। हुण तुहानूं पैटर्न भी पता लग गया, 90 क्वेश्चन आने ने, ठीक है, उहदे अकॉर्डिंगली रेडी रहा करो, राइट। ते मंडे नूं आपां नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे, ठीक है। मैं तुहानूं दस देवांगी किहड़ी बुक लई तुसीं रेडी रहना है, ग्रुप विच तुहाडे मैं पा देवांगी, ठीक है। 45 हो गए ने, राइट, टाइम इज ओवर, थैंक यू सो मच।